चीनी मोबाइल कंपनी Xiaomi ने अपने ब्रांड Redmi का मिड रेंज फ़ोन मुतारफ करा दिया, जिसे बेहतरीन कैमरा और ताकतवर बैटरी की वजह से सराहा जा रहा है। कंपनी ने Redmi 12 को 6.7 इंच स्क्रीन के साथ पेश किया है, जबकि इसमें कलर और स्क्रीन रेशो को बढ़ा दिया गया है। फ़ोन के एंड्रॉयड 13 की ऑपरेटिंग सिस्टम में MediaTek Helio K-CPU में पेश किया गया है और फ़ोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जबकि दीगर फीचर्स भी फ़ोन का हिस्सा है। फ़ोन के बैक पर 3 कैमरे जबकि फ्रंट पर एक सेल्फी कैमरा दिया गया है और इनकी टेक्नोलॉजी और सेंसर्स को जदीद ज़माने के मुताबिक अपग्रेड किया गया है। फ़ोन के फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा पंच होल में दिया गया है, लेकिन कंपनी का दावा है कि इसके सेंसर्स में जदीद टूल्स और फीचर्स शामिल किए गए हैं। Redmi 12 के बैक पर 3 कैमरे हैं, जिसमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल जबकि दूसरा 8 और तीसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। फ़ोन को 5000 mAh की ताकतवर बैटरी के साथ 18 वाट के फास्ट चार्जर में पेश किया गया है, लेकिन कंपनी का दावा है कि चार्जर कम वाट होने के बावजूद इंतहाई तेज़ी से चार्जिंग करता है। फ़ोन को 2 मुख्तलिफ रैम मॉड्यूल्स में, यानी कि 4 और 8 GB रैम जबकि 128 और 256 GB मेमोरी के साथ मुतारफ करवाया गया है। फ़ोन को मुख्तलिफ रंगों के साथ पेश किया गया है और कंपनी ने फ़ोन को डिज़ाइन को भी दीदा से बनाने का दावा किया है। फ़ोन के मॉड्यूल्स के हिसाब से कीमत अलग अलग रखी गई है। फ़ोन के 4 GB रैम और 128 GB मेमोरी मॉड्यूल की कीमत 43,000 रुपये रखी गई है, जबकि 12 GB रैम और 256 GB मेमोरी की कीमत का ऐलान नहीं किया गया है। इस तरह 4 GB रैम और 256 GB मेमोरी और 12 GB रैम और 128 GB मेमोरी के मॉड्यूल्स की रकम भी नहीं बताई गई है। फ़ोन को इब्तदाई तौर पर सिर्फ थाईलैंड में पेश किया गया है, तहम इसे जल्द पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी पेश किया जाएगा।